हेलो फ्रेंड्स, आई एम विज्ञान एंड वेलकम टू माय टेक्निकल विज्ञान चैनल इन नेक्स्ट टाइम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे आप अपना यूट्यूब का चैनल जो है उसको आप कैसे सर्च लिस्ट में लेके मतलब आ सकते हो। ये मतलब एक ऐसा चीज़ है जिससे आप अपना यूजर यूट्यूब चैनल है उसको आप ग्रो कर सकते हो। तो इस जो ये जो स्टेप मैं अभी बताने वाला हूँ उस स्टेप को आप अगर लेंगे तब आपका यूट्यूब चैनल जो है ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए अगर आप अपना चैनल जो है ग्रो करना चाहते हैं, और देख और लाइक भी किसको कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स प्ले आवर वीडियो। फ्रेंड्स, जब सर्च लिस्ट में अपना जो YouTube आपका जो YouTube चैनल है उसको लाने की बात आती है तब बहुत से स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपका जो मतलब जो पैशन है जिस तरह का आप जो वीडियो आप किस कैटेगरी का वीडियो आप बनाते हो, जैसे कि मैं जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियोस जो है बनाता हूँ, बट अगर मैं लग जाऊँ कि कॉमेडी चैनल करने के लिए तो मुझे जो है इतना मतलब अच्छा ये मतलब ग्रो नहीं होगा। अभी भी मेरा चैनल इतना मतलब ग्रो नहीं हुआ है, बट मैंने जो एक स्टेप लिया है उस स्टेप से मैं जो है बहुत मतलब थोड़ा बहुत जो है ग्रो कर रहा हूँ मेरा चैनल। और मेरे जो अभी जो आप वीडियोस देख रहे हैं उसके नीचे भी मेरे कुछ आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो उसे कहते हैं टैग। तो इसको आप अगर अच्छी तरह से लगाएंगे तब क्या होगा, आपका जो वीडियो है वो अच्छी तरह से ये ग्रो होने लग जाएगा। मतलब आपको जैसे कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम में अपने फोटोज़ को जो टैग करते हो इसीलिए क्योंकि आपके जो मतलब दोस्त या फ्रेंड्स को पता चल सके कि आपने एक फ़ोटो अपलोड किया है, तो तब क्या करेंगे वो लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे। तो इसीलिए आप जो है इसको टैग करते हो अपने फ़ोटोज़ को या वीडियोज़ को इंस्टाग्राम या फेसबुक में। तो कुछ नहीं पूरा एक जैसा ही है। यूट्यूब में भी टैग्स इसी के लिए ही डालते हैं ताकि जो यूज़र्स हैं यूट्यूबर्स के मतलब वीडियोस देखते हैं, यूज़र्स है यूट्यूब को सर्च करते हैं, सर्च करने में आपका भी वीडियोस आ जाए और देखें और सब्सक्राइब करें तो और आपका चैनल ग्रो हो जाए, उसी के लिए टैग्स डालते हैं। तो आप जब अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो आपको एक टैग्स वाला ऑप्शन मिलता है, एक बॉक्स मिलता है आपको टैग्स वाला, तो वहाँ पर आपको टैग्स डालने होते हैं। तो मतलब सपोज़ मेरा जो एक वीडियो है 3 awesome apps है ना, तो कोई अगर यूज़र सर्च करेगा कि 3 awesome apps तो उसके लिए अगर मेरा वीडियोस अगर सर्च लिस्ट में नहीं आता है तब क्या होगा, मेरा वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, बट एक दो देख लेंगे बट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखेंगे। और लेकिन अगर सर्च लिस्ट में उस यूज़र का सर्च लिस्ट में अगर आ जाए कि मेरा वीडियो जो है 3 awesome apps वाला वीडियो जो है वो सर्च लिस्ट में आ जाएंगे, तब क्या होगा उसको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब भी वो मुझे कर देंगे, तो उसी तरह से ये चैनल जो है ग्रो होता है। तो आपको इस पर मतलब ध्यान देना है कि आप मतलब कैसे वीडियोस बनाते हैं, और मेन जो चीज़ है वो है टैग्स कैसे डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब सभी मतलब अब एग्जांपल सपोज अगर कोई यूज़र सर्च करता है 3 awesome apps तो जब मैं टेक्स्ट में डालूँगा 3 awesome apps तब क्या होगा, जब वो यूज़र सर्च करेगा मेरे वीडियो मतलब यूट्यूब में सर्च करेगा 3 awesome apps तो हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया लेकिन 2-3 वीडियोस के बाद मेरे जो वीडियो है वो आ जाए। इसमें तो गारंटी नहीं दे सकता लेकिन बहुत गुना यह काम करता है। और तो फ्रेंड्स, अभी सपोज सभी यूज़र्स तो सर्च नहीं करेंगे कि 3 awesome apps के बारे में, मतलब कोई कोई यूज़र्स तो सर्च करेगा 3 cool and hot apps के बारे में, बट तब आपका जो ऐप है मतलब आपका जो वीडियो है वो नहीं निकलेगा। लेकिन वो भी निकलना चाहिए बिकॉज टेक्स्ट में आप डाल दीजिए 3 cool apps, 3 awesome apps, 3 hot and fresh apps, 3 addicted apps, 3 fresh apps, तो ऐसे डाल दीजिए ताकि मतलब जब भी यूजर्स मतलब जैसे जैसे सर्च करे आपका वीडियो जो है ज़्यादातर मतलब आ सकते हो। आप ही आप शायद थोड़ा बहुत समझ गए होंगे टैग्स के बारे में।
पास कभी कभी मतलब यूजर्स का जो वीडियो मतलब वीडियो में सर्च करते हैं तब स्पेल भी मिस्टेक बाई चांस हो जाता है, तब आप कुछ भी स्पेल एक ऐसे मिस्टेक करवा लीजिए जान पूछ कर, ताकि अगर स्पेल भी मिस्टेक हो तब भी आपका जो है वीडियो आ जाए। तो जैसे जैसे आपका जो चैनल ग्रो होता रहेगा वैसे ही आपका जो सर्च लिस्ट है पहले पहले नंबर पर आ जाएगा, लेकिन फर्स्ट में तो ये ग्रो नहीं होता, सो आपको टेक्स्ट जो है प्रॉपरली डालना ही पड़ेगा। और आप टेक्स्ट में कोई भी ऐसा वैसा सब लिखे जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तब क्या होगा यूट्यूब जो है आपका ही वीडियोस नीचे सर्च लिस्ट में आ जाएगा। तो ये भी एक काम का चीज़ है, और अपने चैनल का नाम भी टेक्स्ट में जरूर लिख लीजिए, और करीब 7-8 टेक्स्ट तो होना ही चाहिए एक वीडियो में। तो प्रॉपर टेक्स्ट दीजिए, 3 ऑसम एप्स, 3 कूल एप्स, 3 हॉट एप्स, मतलब अलग अलग से भाषाएं लगा दीजिए, ताकि जो यूजर्स सर्च करते हैं वो ऐप्स तो वो भी आपको मतलब आपका वो वीडियो है वो मिल सके। तो टेक्स्ट आप दूसरों का भी टेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स टेक्निकल गुरु जी टेक्निकल्स दोस्त ये जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कैसे कैसे टेक्स्ट डालते हैं वो आप देख सकते हैं। मैं नहीं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको कॉपी करें, मैं ये मतलब कॉपी मत कीजिए, बस इसको इंस्पायर्ड होजिए कि कैसे टेक्स्ट डालते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत है, तो हम चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल पर। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं मेरे मोबाइल पर, और अभी आपको जिस ऐप का नाम है वो है यूटेक प्रो, इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये जो है ये है यूटेक प्रो, इसको आप प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं, करने के बाद डैशबोर्ड जो है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा, और ये जो है अभी ओपन होने वाला है। तो ये जो है ओपन हो गया, और कुछ इस टाइप का आपको सिर्फ इस यही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है एंटर यूआरएल, मतलब हर एक यूट्यूब वीडियो का एक यूआरएल होता है, तो वो वीडियो जिस वीडियो को आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो वीडियो का यूआरएल जो है यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो अब हम जाते हैं मेरे यूट्यूब पर, आपको दिखा देते हैं कुछ एक एग्जाम्पल की टैग्स कैसे मतलब डाल देखते हैं। जो ये जो टैग है इस वीडियो का, जो टैग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डॉट देख रहे हैं 3 डॉट्स आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, आपको क्लिक करके शेयर वाला एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेयर, इस शेयर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके आपको शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर आप कॉपी लिंक में कॉपी कर लीजिए, उसके बाद लिंक जो है कॉपी हो जाएगा। तो ये भैया ये वीडियो का लिंक, ओके मतलब लिंक और यूआरएल। तो अब फिर से हम जाते हैं यूटेक प्रो में, जाकर आपको मतलब यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है वो उस वीडियो का लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अब हम टैप करके यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये अब देख रहे हैं पेस्ट हो गया है, तो अभी सर्च करेंगे। तो अभी जो ये वीडियो जो है ये सर्च कर रहा है, तो अभी आ जाएगा। तो अभी जो है ये आप देख रहे हैं ये टैक्स मतलब टेक्निकल गुरु जी ने जो जो मतलब टैक्स डाले थे वो टैक्स जो है अभी आ गया है। तो इस टाइप से आप जो है दूसरों का टैक्स देख सकते हैं, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप जो है ये मतलब मत करें, बिकॉज ये करने में कोई मतलब अच्छा इलीगल तरीका है, बिकॉज दूसरों का टैक्स कभी मत मतलब जो है कॉपी मत कीजिए। आप इसके थोड़ा बहुत इंस्पायर हो सकते हैं या एक दो टैक्स आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन भी है कॉपी ऑल नाम का एक ऑप्शन है जिससे आप सारे टैक्स को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड ये नहीं करता हूँ, बिकॉज आप अपने तरीके से टैक्स दीजिए। जस्ट यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया था। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा ऑसम और इंटरेस्टिंग और वेरी बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आप टैक्स में अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आप टैक्स जो है इसको कॉपी मत कीजिए प्लीज़, इसको जस्ट आप देखिए कि कैसे टैक्स डालते हैं, और हो सकता है एक दो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सभी टैक्स यार ऐसे कॉपी करेंगे तो कोई मीनिंग नहीं होगा। तो आपका जो अपना खुद का जो पर्सनालिटी है, जो पैशन है, जिस टाइप से आप टैक्स डालते हैं उसी टाइप से आप जो है टैक्स डालिए, तभी आपका जो चैनल है वो ग्रो होता रहेगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, यूज़र नेम जो है वो है अविकन गोस्वामी, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने इंस्टाग्राम, तो अविकन गोस्वामी में आप इसको जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इसी में ज़्यादा खास होने वाला है, तब तक के लिए सी यू सून फ्रेंड्स।